can't murder liberation. You can murder revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, भले ही इस साल ग्रैंड लेवल पर तालियों और सीटियों के साथ मूवीज को हम थिएटर्स में एंजॉय नहीं कर पाए हैं, लेकिन ओटीटीज ने होम सिनेमा का एक अलग एक्सपीरियंस हमें दिया है और बहुत सारा ऑसम कंटेंट हम तक पहुंचाया है। 2021 में मोस्ट ऑफ द मूवीज ओटीटीज पर रिलीज हुई हैं और पिछले कई सालों से बहुत बेहतर कंटेंट हमें मिला है। अब जब 2021 आधा खत्म हो चुका है, तो इस साल की अब तक की सबसे बेस्ट, सबसे अमेजिंग होलसम एंटरटेनर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज ऑफ 2021 सो फार। जैसे मंथ एंडर वीडियोस के जरिए हर महीने की फाइनेस्ट मूवीज मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही आज 2021 की फाइनेस्ट मूवीज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस लिस्ट में एक भी मूवी मिस करने लायक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं 2021 की 10 सबसे बेस्ट मूवीज की तरफ। नंबर 10 पर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये मॉन्स्टर फिल्म 2020 की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है, जो बहुत बार डिले होने के बाद फाइनली मार्च 2021 में रिलीज हुई है। मॉन्स्टर मूवी फैंस को इस फिल्म की स्टोरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन फिल्म के VFX और एक्शन सीन्स इस बार काफी बेटर थे। फिल्म के टाइटल से ही ये क्लियर हो जाता है कि मॉन्स्टर वर्स के दो जायंट मॉन्स्टर्स के बीच एक टफ फाइट इस फिल्म में दिखाई गई है। अगर आप मॉन्स्टर मूवीज के फैन हैं, तो मॉन्स्टर वर्स के सबसे ह्यूज जायंट्स के बीच की ये एक्शन पैक्ड फाइट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है और आप इसे फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है क्रुएला। ये एक अमेजिंग क्राइम कॉमेडी फिल्म है, जिसका लीड कैरेक्टर अपीयरेंस में DC की हार्ली क्विन जैसा नजर आता है। लेकिन दोस्तों, डिज्नी स्टूडियो का ये कैरेक्टर DC के कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग है। 1970s के लंदन में सेट ये फिल्म एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर को फॉलो करती है, जो अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता चुनती है जो उसे एक नोटोरियस अपकमिंग फैशन डिजाइनर क्रुएला द विल बनने की जर्नी पर ले जाता है। 2021 की ये काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही है, जहां अराउंड $206 मिलियन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से ये 2021 की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है और करंटली इसके सीक्वल पर भी काम चल रहा है। ये यूनिक फिल्म Disney+ पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है द कुरियर। ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच स्टारर एक अमेजिंग हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, जो 19 मार्च 2021 को थिएट्रिकली रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक ब्रिटिश बिजनेसमैन की ट्रू स्टोरी हमें दिखाती है, जो अनविलिंगली एक ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गया था। इस ब्रिटिश बिजनेसमैन ने सीक्रेट इंटेलिजेंट सर्विस MI6 को कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रैक करने में हेल्प की थी, और यही स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज फेम बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस बिजनेसमैन का रोल प्ले किया है। उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से ये सिंपल सी फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। वॉर और मिशंस पर बेस्ड हिस्टोरिकल मूवीज अगर आप पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आप जरूर ट्राई कीजिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है रॉथ ऑफ मैन। जेसन स्टैथम स्टारर ये एक अमेजिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, काफी टाइम बाद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म निकल कर आई है, जिसने एक्शन किंग जेसन स्टैथम का बैड एस अवतार हमें दिखाया है। एक मिस्टीरियस मैन H कैश ट्रक ड्राइवर की न्यू जॉब ज्वाइन करता है। इस जॉब के दौरान कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो H के पास्ट पर सवाल उठाते हैं और उसके कोवर्कर्स के होश उड़ा देते हैं। इन इंसिडेंट्स के बाद H का जो अवतार निकल कर आता है, वो आपको सीटियां बजाने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देगा। फिल्म में जो धमाकेदार एक्शन शुरू होगा, वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस आपको देगा। एक्शन मूवी लवर्स को तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर गुड क्वालिटी हिंदी ऑडियो के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर है आई केयर अलॉट। ये एक अमेजिंग कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी यूनिक स्टोरी और कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। एक कॉन वुमन जो ओल्ड पीपल के लिए कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन बन जाती है, और इन्हीं एल्डरली पीपल के साथ कुछ हेरा फेरी करके वो अपना गुजारा करती है। लेकिन एक थ्रिलिंग टर्न स्टोरी में ऐसा आता है कि लीड कैरेक्टर की ये हेरा फेरी उसे बड़ी मुसीबत में डाल देती है। दोस्तों, सिंपल सी लगने वाली ये स्टोरी एंड तक जाते जाते इतनी थ्रिलिंग हो जाती है कि आप इसमें पूरा खो जाओगे, और लीड स्टार रोजमंड पाइक की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के तो आप फैन हो जाओगे। ये कॉमेडी थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है और इसके हिंदी सबटाइटल भी वहां आपको मिल जाएंगे। नंबर 5 पर है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। ये एक फैंटेसी एडवेंचर एनिमेशन फिल्म है, जो कि 2021 की सबसे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। जुलाई 2021 में ये फिल्म लूसीफर के 5th सीजन के बाद 2nd मोस्ट व्यूड स्ट्रीमिंग एंटरटेनर रही थी। ये फिल्म एक वॉरियर प्रिंसेस राया की एडवेंचरस जर्नी हमें दिखाती है, जिसमें ये प्रिंसेस लास्ट ड्रैगन को ढूंढने निकलती है।
दोस्तों ये एक ऐसी एनिमेशन फिल्म है जो कि हर एक एस्पेक्ट से परफेक्ट है। इसकी स्टोरी, इसका एनिमेशन, एक्शन सीक्वेंसेस, कैरेक्टर्स, म्यूजिकल स्कोर और स्पेशली इसके कलरफुल विजुअल्स, ये सब कुछ एकदम एक्सीलेंट है। यानी कि एकदम नेक्स्ट लेवल का व्यूइंग एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट आपको इस फिल्म में मिलने वाला है। तो फिर एक बार तो इसे फैमिली के साथ ट्राई करना बनता है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है नोबडी। ये एक अमेजिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है और ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल फेम एक्टर बॉब ऑडेनकर्क की प्रेजेंस इस फिल्म को और भी अमेजिंग बना देती है। इस फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर जब रिसेंटली अपने घर में हुए इन्वेजन की तहकीकात करता है, इस इंसिडेंट के क्लूज को फॉलो करता है, इस दौरान वो एक डेंजरस पाथ पर पहुंच जाता है और एक वेंजफुल ड्रग लॉर्ड का टारगेट बन जाता है। इसके बाद जो थ्रिलिंग टर्न स्टोरी में आता है और जो धमाकेदार एक्शन फिल्म में शुरू होता है, वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। ये फिल्म एक सेकंड भी आपको बोर होने का मौका नहीं देती है। ऐसी अमेजिंग और रेयर मूवी तो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर गुड क्वालिटी हिंदी ऑडियो के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 पर है द फादर। ये एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्रामा फिल्म है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ड्रामा और हर्ट वार्मिंग इमोशंस आपको मिलेंगे। ये फिल्म एजिंग मैन की स्टोरी हमें दिखाती है, जो अपने ओल्ड डेज में मेमोरी प्रॉब्लम्स से डील कर रहा है। अब इस सेंट्रल कैरेक्टर से कनेक्टेड ये स्टोरी कई डायरेक्शन में अनफोल्ड होती है और धीरे धीरे स्टोरी में और भी एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं, जिससे ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जाती है। दोस्तों इस फिल्म के जैसी ब्यूटीफुल स्टोरी और मैग्निफिशेंट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज बहुत ही कम देखने को मिल पाती है। 93rd एकेडमी अवार्ड्स में ये फिल्म 6 ऑस्कर्स की नॉमिनी रही थी और इस फिल्म के लीड स्टार एंथनी हॉपकिंस को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये अमेजिंग ड्रामा फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। ये एक ग्रेट बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो एक्टिविस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट फ्रेड हैम्पटन पर बेस्ड है। उनकी लाइफ स्टोरी हमें दिखाती है। लेट 1960s के शिकागो में फ्रेड हैम्पटन ब्लैक पैंथर पार्टी के चेयरमैन थे। इन्हें एक थ्रेट मानकर इंटरनली एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी। FBI ने अपना एक पर्सन इनकी पार्टी में घुसाकर इन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। दोस्तों यही सब कुछ एक्सीलेंट ड्रामा और एक्सीलेंट कैरेक्टर्स के साथ इस फिल्म में दिखाया गया है। ऐसी फिल्म्स बहुत रेयर होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सीलेंट ड्रामा और परफॉर्मेंसेस के दम पर व्यूअर्स का दिल जीत लेती हैं। जूडास एंड द ब्लैक मसीहा ऐसी ही एक एक्सीलेंट फिल्म है जो 93rd अकेडमी अवार्ड्स में 6 ऑस्कर्स की नॉमिनी रही थी और 2 ऑस्कर्स इसने अपने नाम किए थे। सिनेमा वर्ल्ड का ये रियल आर्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है द मिचेल्स वर्सेस द मशीन्स। ये एक एनिमेटेड साईफाई कॉमेडी फिल्म है और शायद आपने फर्स्ट नंबर पर किसी एनिमेशन फिल्म को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये अमेजिंग एनिमेशन फिल्म रियली फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करती है। इस फिल्म के एक्सीलेंट एनिमेशन, थीम और ह्यूमर के लिए इसे यूनिवर्सल अक्लेम मिला है। एक डिसफंक्शनल फैमिली अपनी रोड ट्रिप के दौरान अनजाने में अर्थ की सेवियर बन जाती है और ग्लोबल रोबोट अपराइजिंग को रोकने की कोशिश करती है। उनकी ये एडवेंचरस जर्नी फिल्म को बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस ग्रेट एंटरटेनर को जब आप फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे तो इसका मजा 2 गुना हो जाएगा। ये फैमिली एंटरटेनर फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों 18 जून 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई एनिमेशन फिल्म लूका भी 2021 की बेस्ट मूवीज में से एक है और इस यूनिक फैंटेसी एनिमेशन फिल्म को भी आप फैमिली के साथ जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप एंटरटेनमेंट की अपनी जर्नी इन 10 हॉलीवुड मूवीज के साथ जारी रखिए। न्यू लिस्ट और न्यू रिकमेंडेशंस के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड हमारे सबसे बेस्ट वीडियोस अभी जाकर देखिए। इस साल आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में सभी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ट्रू मूवी लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीक मूवीज और वेब सीरीज की सबसे बेस्ट चॉइस आपको यहां मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।